ऑलमोस्ट 8 महीने बाद मैं कोई जर्नी कर रहा हूँ। राजधानी एक्सप्रेस निकल रही है। आज की जो जर्नी है वो है बेंगलोर से मैंगलोर। ब्लॉग ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा नया कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये आप देख सकते हो राजधानी एक्सप्रेस निकली और साथ ही में हमारी ट्रेन, दोनों का बराबर 8:30 का टाइमिंग है निकलने का। मैं हूँ अभी KSR बेंगलोर मैंगलोर ओवर नाइट एक्सप्रेस जो वाया मैसूरू जाती है। KGM वेब 7 अभी लिंक है। मोस्ट प्रोबेबली बेलगावी एक्सप्रेस है वो। ऑलमोस्ट 8 महीने बाद हो रही है कोई जर्नी। मतलब लास्ट टाइम जब मैं बैंगलोर आया था और फरवरी में, तो उस टाइम मैं लास्ट टाइम ट्रेन जर्नी किया था, उसके बाद आज निकला हूँ फाइनली। ये व्लॉग थोड़ा सा ऐसा होने वाला है, मेरा एक्सपीरियंस अभी कैसा है कोरोना काल के बाद जब मैं पहली जर्नी कर रहा हूँ उसका। ओवरनाइट जर्नी है तो जर्नी कंपाइलेशन थोड़ा बहुत बना दूंगा, पर एक दूसरा मेन रीज़न है ये जर्नी करने का, वो आपको मैं बताता हूँ रास्ते में, ठीक है। अंदा हल्दी सो थोड़ा इंट्रोडक्शन पूरा नहीं कर पाया मैं हूँ अभी बेंगलोर मैंगलोर एक्सप्रेस में। अभी केंगरी स्टेशन आ चुका है, निकल गई है अभी गाड़ी। मेरा कोच है S4 और सीट यहीं पर है मेरी, ये दिख रही है, यहीं पर सीट है मेरी, 7 नंबर है। मैंने बुक किया था ऑलमोस्ट 1 वीक पहले, तो उस टाइम ऑलमोस्ट 130 कुछ अवेलेबल था। अभी आज निकलने से पहले मैं एक बार करेंट पोजिशन चेक किया तो अराउंड 250 अवेलेबल, 250 के अराउंड अवेलेबल थे अभी भी करेंट में। तो मतलब एक ट्रेन, ये कोच तो उतना खाली नहीं है लेकिन बाकी कोच काफ़ी खाली जा रहे हैं। पहले तो ये ट्रेन तीन दिन ही चलती थी, पर इसके जो कनेक्टिंग ट्रेन है इसके साथ जो चलती है वो रेलवे ने अभी कैंसिल करके रखा है, इसलिए ये ट्रेन अभी 5 दिन हो गई है टेम्प्रेरी। इस ट्रेन के बारे में अगर कुछ डिटेल्स आपको जानना है, इसका टाइमिंग वगैरह क्या है, रूट क्या है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो एक बार चेक कर लीजिएगा उसको। Thank you.
नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, लेकिन बहुत तेज़ बारिश हो रही है बिजली कड़की। रामनगरम यशवंतपुर भागलपुर अंगा एक्सप्रेस इसके कोचेस है यहाँ पर। करेंटली हम लोग मद्दूर क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ रुकती नहीं स्टॉप। बेंगलोर के आसपास मद्दूर वड़े बहुत फेमस होते हैं खाने के, वो प्याज के रहते हैं बड़े थोड़े से। ये वाला रूट है जो बेंगलोर से मैसूर तक, अब मैंने डेलाइट में भी बनाया है बहुत बार, तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। डेलाइट में दो है, एक एल्को के पीछे एक EMD के पीछे, तो चेकआउट करना अगर किसको डेलाइट में पूरा रूट देखना है तो। उसमें से एक टीपू एक्सप्रेस में भी था। अभी हो रहे हैं 10:45,
ऑलमोस्ट 15 मिनट्स बिफोर टाइम आई है यहाँ पर। हम लोग हैं अभी मैसूर जंक्शन पे, यहाँ पे गाड़ी का रिवर्सल होगा और ये गाड़ी हसन होते हुए मैंगलोर जाएगी। इसका यहाँ पहुँचने का टाइम है 11 बजे, लेकिन अभी 15 मिनट बिफोर पहुँच गई है। हम लोग 8:30 बजे चले थे बेंगलुरु स्टेशन से, 8:30 टाइम, और 10:45 को पहुँच गए मैसूर। देखते अभी लिंक कौन सा होगा इसको, यहाँ से डीजल मिलता है क्या है वो देख के आते। चलो ये है इस गाड़ी का जनरल क्लास, जिसको रिजर्व्ड जनरल क्लास बना के रखते हैं। देखते हैं कोई है कि नहीं अंदर। ओहो, लगता है पूरा खाली है, ये खाली तो नहीं कर रहा है। अबे एक आदमी नहीं है भाई, एक आदमी नहीं है यहाँ पर। ओवरनाइट ट्रेन है, कौन जाएगा जनरल क्लास का टिकट लेकर इसमें। और शायद से ये है हमारा लोको 40279 WDP बोर्डिंग AGM। EMD लोकोमोटिव है और हम लोग को पूरे मैंगलोर तक यही लेकर जाएगा। अब तो जैसा मैं बोल रहा था पहले, ये जर्नी करने का रीज़न है मेरा, एक तो 8 महीने बाद कर रहा हूँ तो मेरा बहुत इच्छा कर रहा था कहीं बाहर निकला जाए, और अभी ये ट्रेन का कंडीशन ये है कि खाली जाती रहती है। ये एक चांस लगा मुझे कि मैं थोड़ा एक जर्नी कर सकाऊँ। ऊपर से कर्नाटक स्टेट के अंदर ही अंदर है, तो उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। लोको रिवर्स होके लग रहा है। और जो दूसरा और जो मेन रीज़न मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिख रहा है ये एक साउंड रिकॉर्डर है और मैंने अभी रिसेंटली ख़रीदा इसे। इसे क्या है, मैं ओवरनाइट जो जर्नी रहती है उसकी साउंड में रिकॉर्ड करना चाहता हूँ इसे। अभी तक जो मैं ट्राई किया हूँ बेंगलोर से मैसूर तक, काफ़ी अच्छा आया है। और ये जो रूट है, खासकर मैसूर से हासन तक का और जो सुब्रमण्या घाट्स का जो रूट है, उसमें ट्रैक साउंड बहुत अच्छे आते हैं। मैं अब तक अपने कैमरे से या फिर मोबाइल से ट्राई करा था, नहीं हुआ उससे। एंट्री लेवल का रिकॉर्डर है जूम H1N। इसके बाद अब इसी से मैं रिकॉर्ड किया हूँ यहाँ मैसूर तक का, और मैसूर से आगे फिर से रिकॉर्ड करने वाला हूँ। इसका मेन पर्पस यही कि टेस्टिंग कर रहा हूँ मैं अभी इसका, इस रिकॉर्डर का। आगे जितनी भी जर्नीज करूँगा उस सबका मैं कोशिश करूँगा कि जो ट्रैक साउंड्स है इसी से रिकॉर्ड करूँ, ताकि आप लोग को और अच्छा एक्सपीरियंस मिले जो ट्रैक साउंड्स के मामले पे। और लंबी लंबी ओवरनाइट जर्नीज का भी मैं फुल लेंथ 3 से 4 घंटे का भी ट्रैक साउंड रिकॉर्ड करके डालूंगा मैं। बेसिकली ये मैं कर रहा हूँ, मैं खुद के लिए भी कर रहा हूँ, क्योंकि रात को जब नींद नहीं आती ना, तो मैं ट्रैक साउंड सुनने का अगर किसी वीडियोज़ में है मिला वो सुनता हूँ तो अच्छे से नींद आती मुझे फिर। बट सभी के सभी तो निकालते नहीं है इतना अच्छा, मैं बोला खुद ही क्यों ना ट्राई किया जाए। तो उसी के लिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया हूँ और देखते कैसे आते हैं रिजल्ट्स। अभी 11:20 का टाइम है इस ट्रेन को डिपार्ट करने का। अभी लोको लग चुका है, EMD है, जो एल्कोज है वो सोचा था, लेकिन कोई नहीं, अभी EMD से काम चलाना पड़ेगा। वैसे भी मैं ट्रैक साउंड्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेरा अभी। और हाँ, ये जो रूट है मैसूर से हासन तक का वो वाला पार्ट मैंने एक दूसरे वीडियो में कवर किया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। जो भी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये चीज़ कवर की है वो चीज़ की है, तो उन सब का लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप चेकआउट कर लेना अगर आपको इच्छा हो। चलो लोको तो लग गया है, अब अपनी सीट पर थोड़ा बैठा जाए, इसको थोड़ा सेटअप किया जाए और फिर आगे की जर्नी करते हैं कंटिन्यू, ठीक है। डिपार्टिंग फ्रॉम मैसूर जंक्शन,
तो गाइस अभी हम लोग पहुँचे हैं हसन जंक्शन पर, रात के 1:30 बज रहे हैं, 1:30 बिफोर टाइम ही आई है गाड़ी थोड़ा सा, और यहाँ पर हमारा रिवर्सल होगा मेरी ट्रेन का। लोको आ रहा है, रिवर्स हो रहा है, और अब हम लोग मैंगलोर सीधा यहाँ से जाएंगे वाया सुब्रमण्या घाट्स। ये जो रूट अभी था मैसूर से हसन का, जो ट्रैक साउंड्स थे इतने प्यारे थे ना, सच बता रहा हूँ, मज़ा आ गया एकदम। अभी रूट हम जिससे जाने वाले हैं वो सकलेशपुर सुब्रमण्या घाट से होके गुजरता है, ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स का घाट से, और उस घाट के टाइम ये होगा कि हमारी ट्रेन डिसेंड करेगी अभी, मतलब एक हाई सी लेवल से लो सी लेवल पे जाएगी, वो भी कम डिस्टेंस में। तो उसके लिए ऐसा होगा ना, सामने ब्रेकर्स अटैच होंगे, मतलब शायद 2 या 3 इंजन और एक्स्ट्रा ऐड होंगे इस पर। फिर वो ब्रेकर्स इसलिए अटैच होते हैं ताकि एक सिंगल जो लोको है वो ठीक से वर्क नहीं कर पाता, मतलब इतना जो ब्रेक है सिंगल लोको उतना ठीक से काम नहीं कर पाएगा घाट में, तो इसलिए 2-3 लोकोस की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ वो घाट से आएंगे ऑलमोस्ट करीब 3:30 के आसपास, तब तक तो शायद मैं सो गया होऊंगा, बट ये घाट्स मैं आपको दिन में कभी दिखाऊंगा अगली बार जब डे ट्रेन चालू होगी इस रूट पे। ये है कोच S6 की हालत, एक आदमी नहीं है यार इस पूरे कोच में, तो एक आदमी नहीं है और बाकी कोच ऐसे भरे हुए हैं। ये मेरा व्लॉगिंग सेटअप, GoPro Hero 7 ब्लैक। स्टेशन गया वो था सुब्रमण्या रोड, जो कि सकलेशपुर सुब्रमण्या घाट सेक्शन का लास्ट स्टेशन था। 5:50 को निकलने का टाइम था इस गाड़ी का, 6 बजे निकली, 10 मिनट लेट हो गए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, अब काफ़ी तेज़ रन होगा अभी, क्योंकि वो 50 जो घाट का जो 50 किलोमीटर था वो सेक्शन कवर करने में ऑलमोस्ट 2 घंटा लग गया था। अभी
दो स्टॉप्स है, उसके बाद मैंगलोर हम पहुँचने वाले हैं सुबह ऑलमोस्ट 8 बजे के आसपास। वो यहाँ से अभी और 2 घंटे का रास्ता है, करते हैं कंटिन्यू फिर जर्नी।
नेत्रावती रिवर।
गाइस अभी 40 मिनट हो रहे हैं 7:40 और हम लोग अभी पहुंच गए हैं मैंगलोर जंक्शन ऑलमोस्ट 20 मिनट्स बिफोर टाइम। यहाँ पर 20 मिनट और रुकेंगे, फिर उसके बाद मैंगलोर सेंट्रल है, मैंगलोर स्टेशन सेंट्रल, तो वहाँ है इसका आखिरी स्टॉप ये ट्रेन का, वहाँ तक मैं जर्नी कर रहा हूँ। वहाँ पर भी उसका टाइम है 8:30 पहुँचने का, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली बिफोर टाइम ही पहुँचेगी ये। ट्रेन भी काफ़ी खाली हो गई है, सुबह सुब्रमण्यम रोड हो गया, बंडा वाला हो गया, तो वहाँ पर काफ़ी लोग उतर गए थे। अभी मैंगलोर पहुँच के मुझे देखना पड़ेगा, रूम का देखना पड़ेगा। Thank you.
हवेली एक्सप्रेस एमटी रेक। फाइनली 8:25 को हम लोग पहुँच गए हैं अभी मैंगलोर सेंट्रल स्टेशन पर, जो इस ट्रेन का आखिरी स्टॉप है। 5 मिनट बिफोर पहुँची है ट्रेन, पूरा खाली खाली है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो इतना भीड़ था ना यहाँ पर, फुल पैक था ये स्टेशन। देखो पीछे कैसा है। तो चलते हैं फिर, अभी देखते हैं रिटायरिंग रूम अवेलेबल है कि नहीं, क्या होगा पता नहीं। अगर नहीं होगा तो बाहर ही किसी होटल में रूम करना पड़ेगा शाम तक का। रात को मेरी ट्रेन है वापसी वाली, ये रिटर्न ट्रेन, तो देखते अभी रूम मिलता है तो चलो कंटिन्यू करते फिर।